नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में चर्चा करेंगे यहां पर कि आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आपका राशिफल कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार कैसा रह सकता है। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही यहां पर सबसे पहले आज के राशिफल से, और आज का राशिफल बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सी वी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधु को। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 10 मई 2022 मंगलवार। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की जो 3 राशियां हैं, 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि, निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। 3 से 4 बजे के बीच में रखनी है आपको अधिक सावधानी। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि, 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अधिक सावधानी, आज दिन शायद मुसीबत न रहे। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। वायु तत्व की राशियां हैं 1 से 2 बजे के बीच में रखिए अधिक सावधानी। 4, 8, 12 यहाँ जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आज आपके लिए दिन शुभ और मंगलकारी हो सकता है, लाभ कमा सकते हैं, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में आपको अधिक सावधानी रखनी है। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज की। जी अखिलेश जी, कर्नल जी, जैसा आपने कहा कि एग्री कमोडिटीज की चर्चा करते हैं, तो आज मसालों में देख रहे हैं यहाँ पर हल्का सा नरमी वाला रुझान आज भी जारी ही है, तो मसालों में आज कैसी संभावना है? देखिए, मसालों के अंदर जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम अभी फेस कर रहा है वो है जीरा और धनिया। जीरे के सबसे पहले मैं धनिया के ऊपर चर्चा करता हूँ। देखिए, धनिया के अंदर गिरावट देखी जा रही है और इसमें संभावना कमजोरी की ही है। कल भी हमने आपको यही कहा था कि अपना टाइमली प्रॉफिट बुक कर लें। देखिए कि जो एनसीडीएक्स पे काम करने वाले कारोबारी हैं उनको तेजी मिलने पर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, और जो हाजिर व्यापारी यानी फिजिकल व्यापार में है उनको जब भी गिरावट है उन गिरावट के अंदर यदि वो लेबल उनके मुफीद रहते हैं तो उस टाइम उसमें बाइंग करनी चाहिए। ये एक फंडामेंटल तरीका रहता है। इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर जीरे और धनिए के जीरे के अंदर और धनिए के अंदर मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा कमजोरी का रुख रहने की संभावना है, लेकिन दोबारा तेजी बनेगी इसमें कोई दोहराई नजर नहीं आ रही है क्योंकि फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं और डिमांड भी अच्छी आ रही है। लेकिन जो इन मसालों के अंदर क्योंकि एकदम से पिछले 2-3 महीने में बहुत तेजी से दाम बढ़े उससे एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ा, साथ साथ जो भारतीय रुपया के भी जो कमजोरी हुई अभी लेटेस्ट उसमें उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आज गिरावट की संभावना है, टाइमली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। साथ साथ अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी ये भी रहेगा कि मसालों के अंदर की शानदार तेजी के बाद क्या मसालों में प्रॉफिट बुक करना चाहिए फिजिकली ट्रेडर्स के लिए, या फिर अभी और बड़ी तेजी बाकी है। इसके ऊपर हम अगले शो में चर्चा करेंगे, विशेष शो के अंदर उसको भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। जी अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, ये से कन्हैया जी जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है आपको? देख रहे हैं कि ग्वार में भी यहाँ पर ऊपरी स्तर से हल्की सी नरमी बनी है, तो क्या ऐसे उतार चढ़ाव बना रहेगा या फिर यहाँ से अभी तेजी फिर से लौटेगी, क्योंकि देख रहे हैं कि सपोर्ट लेवल्स पर अभी भी टिके हुए हैं? देखिए, ग्वार के अंदर यदि आप थोड़ा सा पिछले 2-3-4 महीने का रुख देख लें तो उसके अंदर ये 57-58 के बीच में टच करता है, उसके बाद फिर दोबारा मोमेंट लेके आता है, तो उसके बाद इसी रेंज बाउंड एक्टिविटीज में इसमें चल रहा है। तो इसके अंदर विशेष मैं हमेशा यही कहता हूँ कारोबारियों को कि आप क्षमताओं के आधार पे काम करेंगे और निचले स्तर पर यदि आप मान ले लेंगे बगैर डरे तो आपको मुनाफा की संभावना अधिक बन जाती है। अब होता यह है कि 56-57 या 58 पे जो माल ले लेता है वो आराम से ना 6500 से 6500 के बीच में धीरे धीरे माल निकाल देता है। अब वो 6500-6600 के आसपास का जब भाव आता है उसके आसपास में फिर एक बार मुनाफा वसूली होती है, 500-700 रुपए निकल जाते हैं। तो जो लोग 6500 रुपए पे जिन्होंने माल खरीदा होता है वो उसको रोक नहीं पाते और वो और उनको नुकसान हो जाता है, लेकिन जिन्होंने 58-600 रुपए के ऊपर माल खरीदा होता है
वो जब 6200 और 6300 के बीच में अपना माल काटते हैं तो उनको मुनाफा हो जाता है। तो महत्वपूर्ण ये रहता है कि आपको पकड़ना कहाँ पर है। सवाल इसका नहीं है कि गवार तेज है या मंदा है, क्योंकि गवार के फंडामेंटल मजबूत होने के बावजूद और गवार के में बेतासर तेजी दिखाने के बावजूद भी 7000 के ऊपर का इसका भाव था, भाव एनसीडीएक्स पे है और ऑल टाइम हाई या अभी जो लेटेस्ट एक साल के अंदर देखें तो फिजिकल के अंदर इसका भाव करीबन 11 से 12 हजार रुपए तक भी गया। तो उसके बावजूद भी किसान या व्यापारी पैसा नहीं बना पाए। उसका प्रमुख वजह ये है कि जिन्होंने पैसा बनाया, जिन्होंने फंडामेंटल समझा, जिन्होंने लेवल समझे, जिन्होंने बाइंग की और टाइमली मुनाफा करवाया, उन्होंने शानदार पैसा भी बनाया। और जो जिन्होंने टाइमली नहीं कर पाए और वो गलत टर्म पे एंट्री करके उसके बाद नीचे नहीं संभाल पाए और उसके बाद जब कुछ निकल जाते हैं उसके बाद फिर वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, फिर वो कहते हैं कि साहब एनसीडीएक्स में तो कमा ही नहीं सकता कोई। अब पॉइंट ये है कि आप खरीद कब रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, क्या आपको खरीदने के बाद आपका महीना डेढ़ महीना रोकने की मादा है? सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आपने मार्जिन कितना आप एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि यदि ये सुबह लेके शाम तक को बेच लिया जाए और हर रोज 25,000 रुपए छोटा व्यापारी कमा ले तो हर व्यक्ति यहाँ पे खरबपति हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये इसलिए कहा जाता है कि आप लेवल्स का ख्याल करें, लेवल्स को रिस्पेक्ट करें और जब भी माल खरीदें तो उसके अंदर कुछ समय रुकने के मादा रखें, तभी एनसीडीएक्स पे काम करेंगे तो आप बेहतर कमाएंगे। और यदि 200 रुपए टूटे, घबरा गए, माल छोड़ा, फिर वो 300 रुपए बढ़ गया, फिर ऊपर में लिया, फिर वो 50 रुपए ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे गया, तो इस तरह के अंदर तो वो छोटा व्यापारी कारोबारी फंस जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप लेवल को रिस्पेक्ट करें और जो लेवल्स हमने आपको बताए हैं उनको ध्यान से सुनें, समझें और उसके बाद में अपना अध्ययन करें और उसके बाद कोई विशेष कार्य करें। जी कन्हैया जी, ये सब कन्हैया जी, मोटे अनाजों में क्या लगता है आपको, 2023 को मोदी सरकार मोटे अनाजों के वर्ष के तौर पर मनाना चाहती है इंटरनेशनल तौर पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो अब मोटे अनाजों में क्या संभावना है आपको, खासकर बाजरे में? देखिए, बाजरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण मोटे अनाज में देखा जा रहा है और जो खबर ही में निकल के आ रही है कि अभी हम ग्राउंड रियलिटीज देखे हैं तो बाजरे की जो पैदावार होनी थी वो पैदावार कम हुई है और साथ साथ में बाजरे के अंदर जो हम देखे हैं थोड़ा सा कि बाजरे की मैं थोड़ी स्टैटिस्टिक भी आपको दिखाता हूँ कि अभी बाजरे का जो उत्पादन का लक्ष्य था वो लगभग 120 लाख टन का था और उत्पादन लगभग 80 से 85 लाख टन का है और 40% फसल बाजरे की, मुझे लगता है कि आप जो समाचार मिल रहे हैं उसके क्वालिटी अच्छी नहीं है और गंगा यमुना और सरयू नदी के आसपास जो बीच में जो जल स्तर बढ़ गया था, बाढ़ की स्थिति थी, उससे भी बाजरे की यूपी की जो है वो फसल थोड़ी खराब हुई थी। राजस्थान, हरियाणा और यूपी में बरसात की वजह से बाजरे को थोड़ा सा नुकसान की भी समाचार है और ये भी है कि बाजरे की जो नेक्स्ट फसल है वो सितंबर अक्टूबर में आएगी और अभी टाइम पूरा बाकी है। तो कुल मिला के बाजरे के जो दाम है वो किसी भी कीमत पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टूटने की संभावना है और इसमें मजबूती की संभावना मुझे अधिक नजर आ रही है। लेकिन याद रखिएगा, बाजरे को ये कहा जाता है कि किसी भी चीज को सही वक्त पे यदि आप नहीं उसको पिकअप कर लेते हैं तो वो फिर खराब हो जाता है। जैसे पेड़ के ऊपर फल है और उसको पकने पर यदि आप नहीं तोड़ेंगे तो कुछ समय के बाद में उसको पक्षी खाने लगेंगे और पक्षी और वो या फिर वो पक्षी भी नहीं खाएंगे तो वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा और उसका वो और कोई यूज नहीं होगा। तो बाजरे के अंदर तेजी अभी मुझे संभावना तेजी की लग रही है, लेकिन मंदी कब आएगी ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके लिए भी हम विशेष शो अपना मार्केट टाइम्स टीवी पर रखेंगे। जो अभी मोटे अनाज के कारोबारी है जिसके अंदर बीट है, बाजरा है और मक्का है, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि आने वाले समय के अंदर तेजी के साथ साथ मंदी के भी तगड़े तगड़े झटके लगने वाले हैं। जी अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, ये से कन्हैया जी बात करें अगर आज नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में देख रहे हैं कि हर एक कम्युनिटी, चाहे गोल्ड सिल्वर हो, बेस मेटल्स हो या फिर नेचुरल गैस ही हो, कच्चा तेल भी हाई वॉलीटिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो नॉन एग्री मार्केट में क्या अभी निवेश करना सही रहेगा? क्या नॉन एग्री में भी
ऐसे सिचुएशन में मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, जो मेटल्स की टूटने की प्रमुख वजह है चीन के कुछ शेयरों में लॉकडाउन की घोषणा है, क्योंकि इसमें कोई दोराय नहीं है कि चीन जो है बेस मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर कंट्री के रूप में उभरा है, और वहां से डिमांड का, चाहे वो स्टील की हो और यदि आप मेटल में देखें तो स्टील का सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो प्रोड्यूसर है वो चाइना है, मेटल में चाहे वो एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, कॉपर हो, इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है। यदि वहां लॉकडाउन होता है तो उसका सीधा सीधा असर पूरे विश्व में पड़ता है, और यही वजह थी कि मेटल्स के अंदर फंडामेंटल मजबूत होने के बावजूद भी जैसी लॉकडाउन की खबरें आई उसमें गिरावट दर्ज हुई। और रहा सवाल बुलियन का, जैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर है, क्योंकि डॉलर की मजबूती बुलियन को प्रभावित करती है, और ये भी देखने वाली बात है कि भारतीय रुपया बहुत तेजी से डेप्रिशिएट हुआ अमेरिकी डॉलर के खिलाफ, उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर गिरे, जबकि अनुमान ये होता है कि भारतीय रुपया यदि कमजोर है तो उसका सीधा असर सकारात्मक रूप में बुलियन पे पड़ता है, लेकिन इस बार इतनी तेजी से गिरने के बावजूद भी बुलियन में कमजोरी देखी गई, और ये जो बाउंस बैक जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रूपी, बिकॉज रूपी वॉज डेप्रिशिएटेड सो बैडली, सो दिस इज अ पर्टिकुलर लेवल व्हेन द बुलियन कैन शो सम रिकवरी ऑन इट, सो इफ द ट्रेडर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड समथिंग फॉर द मिड टर्म इन्वेस्टमेंट तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दे कैन गो फॉर बाइंग, बट ऑनली अ थिंग दे शुड कंसिडर द थिंग शुड बी बॉट, योर बुलियन शुड बी बॉट नॉट फॉर द वी ऑफ वन और टू ट्रेडिंग सेशन, इट शुड बी मिनिमम 1 to 1.5 months, then it is an opportunity to buy the bullion at the lower level. जी कलन जी, कलन जी, स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में आज क्या संभावनाएं लगती हैं आपको? एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आज स्टॉक मार्केट कैसी रहेगी और आपके चुनिंदा आज कौन से शेयर्स रहेंगे? आपको याद होगा बखले जी, स्टॉक मार्केट पे कल मैंने यही कहा था कि आप नजर मत रखिए इंडेक्स के ऊपर, आप इंडस्ट्री पे नजर रखिए, आप स्टॉक्स पे नजर रखिए। उसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कल भी मैंने लगातार आपको पिछले 10-12-15 शो से मैं इसके ऊपर नजर रखने के लिए कह रहा हूँ, भारत सरकार की सबसे बड़ी पावर ट्रांसपोर्टेशन करने वाली देश की पहली कंपनी, इसके ऊपर नजर है। देखिए बाजार में उतार चढ़ाव है लेकिन पावर ग्रिड बिल्कुल अपनी शान से खड़ा हुआ है, सरकारी कंपनी होने के बावजूद इतने शानदार मूवमेंट दी है। दूसरा स्टॉक मैं नजर रखना चाहता हूँ वो सीमेंट स्टैक स्टॉक पे, चाहे आप अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ मर्जर के अंदर जा रही है, कुछ सेल के ऊपर है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि सीमेंट के ऊपर कंपनी अल्ट्राटेक है, एनसीसी है, इनके ऊपर नजर रखनी उचित रहेगी। तीसरी कंपनी जो मैं आज नजर रखना चाहूंगा वो है एशियन पेंट, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने फुल फ्लैश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रहेंगे, फुल फ्लैश भवन निर्माण के रहेंगे, और अभी जो 40 लाख शादियों भी है 3 महीने के अंदर अंदर, इसका भी पेंट इंडस्ट्री पर सकारात्मक रुख पड़ने की संभावना है, क्योंकि शादी ब्याह के टाइम पर जो घर का जो डेकोरेशन है वो होता ही होता है, और 40 लाख शादियां, इतनी बड़ी संख्या में शादियां कोविड के बाद अभी हो रही हैं, इसका सकारात्मक प्रभाव पेंट इंडस्ट्री का लीडर जो है एशियन पेंट उसके ऊपर नजर रखनी मेरे हिसाब से ठीक रहेगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का खेल है, और इस समय एशियन पेंट के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पर डिमांड अच्छी रहने की संभावना है। जी जी कला जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है आपका राशिफल, शेयर बाजार और कम्युनिटी बाजार। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।